हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। बहुत ही इजी और सिंपल स्टाइल में मैं बनाऊंगी दाल मखनी आप सबके लिए। तो प्लीज़ आइए मेरे साथ दाल मखनी बनाते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप साबुत काली उड़द और 1/4 कप राजमा। तो रात भर मैंने इसको फुला के रखा है और सुबह ये पानी निकालने के बाद ऐसा है। अब मैं इसको कुकर में डालूंगी और सीटी लगाऊंगी। तो जो हमने दाल को भिगो के रखा था, उड़द दाल और राजमा, उसमें मैंने 6 कप पानी डाल दिया है। और ये अब मैं ये तेज पत्ता डाल रही हूँ, 2 काली इलायची बड़ी इलायची और 1 ये दालचीनी और ढेर सारे लौंग। ये देखिए, अब इन सबको मैंने डाल दिया पानी में। अब मैं इसमें मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 सीटी लगाऊंगी कुकर में। तो जब तक हमारी दाल और राजमे में सीटी लग रही है तब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर, 1 प्याज, 3 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और 5 लहसुन की कलियाँ। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ये जो मैंने प्याज लिया है इसको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको मैं मिक्सर में से डाल के ग्राइंड कर लूँगी। प्याज ग्राइंड करने के बाद ये टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इन सबको भी मैं मिक्सर में डाल के एक साथ ग्राइंड कर लूँगी उसी मिक्सर में। तो देखिए, प्याज की प्योरी हमारी ये है और ये टमाटर की प्योरी। अब मैं टमाटर की प्योरी को भी ऐसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, दाल मखनी के लिए हमने जो दाल और राजमे को कुकर में सीटी लगाई थी 5 से 6 सीटी, उसके बाद हमने कुकर खोल लिया। और ये देखिए, इसको दबा के ऐसे देखेंगे साइड में तो ये हमारा पक गया है, दाल भी पक गई है, राजमा भी पक गया है। तो आइए अब इसका तड़का बना लेते हैं। तो अब इसका तड़का बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, गैस पे इसको रख दिया है और इसमें अब मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, बट मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, इससे प्याज अच्छे से पकता है। अब इसमें जो हमने प्याज पीस के रखा था वो इसमें डाल दूंगी। प्याज हमारा पकना स्टार्ट हो जाए इसको चला लेंगे। जब प्याज हमारा हल्का सा पकने लग जाए तो इसमें हम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, अब मैं इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, इससे हमारी ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। प्याज हमारा पक गया है, इसमें से देखिए तेल साइड साइड में निकल गया है और प्याज में से। तो अब हम इसमें टमाटर हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। तो ये टमाटर मैंने डाल दिया है, इस टमाटर को मिक्स कर लेंगे। टमाटर पकने तक इसको चलाएंगे। अब टमाटर डालते ही हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल लें इसमें। और अब टमाटर के पकने तक इसको ढक के पका लेंगे, नमक डाल देंगे बाद। तो टमाटर को 5 मिनट तक ऐसे ढक के पकाना है, इसको बीच बीच में चलाते रहिए ताकि हमारा टमाटर जो है वो नीचे चिपक ना जाए। देखिए, ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। तो अब हम इसमें जो हमने दाल बॉईल करके रखा था, दाल और राजमा, उसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए, जो मैंने दाल बॉईल करके रखा था मैंने इसमें डाल देंगे। तो देखिए, दाल और राजमा जो हमने बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल दिया है ग्रेवी में, प्याज टमाटर की ग्रेवी में। अब इसको ऐसे चला लेंगे। तो जब तक हमारी ये दाल कड़ रही है इसमें हम सूखे मसाले डाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी धनिया पाउडर, फिर डालूंगी इसमें आमचूर पाउडर, गरम मसाला, ये डाल के आप मिक्स कर लीजिए। फिर जब ये हमारा करी कड़ जाएगी, मतलब ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाएगी, फिर इसमें हम कस्तूरी मेथी भी डालेंगे।
अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी दाल मखनी में बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको आप मिस ना करें, कस्तूरी मेथी ज़रूर डालें। अब इसमें हम हरी मिर्च लंबा लंबा काट के और बटर डाल देंगे। कस्तूरी मेथी के बाद ये दो हरी मिर्च लंबी लंबी कटी हुई और बटर का एक बड़ा सा टुकड़ा। अब इसको हम, ये देखिए बटर का इतना बड़ा सा टुकड़ा मैंने इसमें डाला है, इसको करने देंगे। जितना ये कड़ेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि बटर से ही इसका एकदम मज़ेदार टेस्ट आएगा दाल मखनी का। अब इसको स्लो करके, गैस को स्लो करके इसको धीरे धीरे पकने देंगे, जब तक हमारी दाल गाढ़ी नहीं हो जाती। और बस ये दाल मखनी बनके तैयार है। आप इसको रोटी, जीरा राइस जिसके साथ भी खाना चाहे खा सकते हैं। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।